जय हिंद एवरीवन। आज के शेड्यूल में टॉपिक है कि वीडियो कैसे बनते हैं, हाउ टू बिकम ए ब्लॉग डेवलपमेंट ऑफिसर। यदि आप वीडियो बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है, लास्ट तक देखना। वीडियो बनने के लिए इस वीडियो में हम फुल इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ बताने वाले हैं। जैसे मैं फुल इन्फॉर्मेशन हम आपको ये बताने वाले हैं कि वीडियो बनने के लिए एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी शैक्षणिक योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए, एज लिमिट मैक्सिमम मिनिमम क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एलिजिबल है तभी आप वीडियो के लिए आवेदन करते हैं। वीडियो के लिए जब आप आवेदन करते हैं तो आपको कई सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जैसे में प्री होता है, एक परीक्षा होता है, उसके बाद मेंस होता है और एक आपका इंटरव्यू होता है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा। यही आपको तीन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है वीडियो बनने के लिए। तो आपको ये तीनों प्रोसेस से जो भी गुजरना पड़ता है, तो ये तीनों प्रोसेस का हम स्टेप बाय स्टेप फुल इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं। जैसे मैं आपको ये बताने वाला हूं कि प्री का एग्जाम पैटर्न और मेंस का भी एग्जाम पैटर्न और इंटरव्यू में आपके किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देखना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा आप करते हैं तो केवल आप उसी सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं जो आपका परीक्षा में जो सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ वीडियो बनने से संबंधित। यदि आप वीडियो बनना चाहते हैं या वीडियो से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहिए, इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसे हिंदी में खंड विकास पदाधिकारी बोला जाता है। जैसे एक राज्य का जो राज चलाता है उसे मुख्यमंत्री बोला जाता है और जो डिस्ट्रिक्ट को देखता है उसे डीएम बोला जाता है। वैसे ही एक प्रखंड में यानी ब्लॉक में उसका जो मालिक होता है वो बीडीओ होता है। यानी बीडीओ का काम क्या होता है, किस जगह पर आपकी पोस्ट होती है, वो होती है प्रखंड में यानी ब्लॉक में एक बीडीओ को रखा जाता है। बीडीओ का फुल फॉर्म और हिंदी में समझ गए कि बीडीओ को क्या बोला जाता है। अब समझते हैं कि बीडीओ को क्रैक करने के लिए कौन कौन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। जो सबसे पहले यहां पे शो किया जा रहा है, वीडियो बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास। बस यहां पे शो किया जा रहा है कि ग्रेजुएशन पास। इसमें ग्रेजुएशन में आपका ये नहीं शो किया जा रहा है कि आपका आर्ट्स होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए, और इसमें किसी तरह के परसेंटेज भी रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं, मार्क्स वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें रिक्वायरमेंट होता है। बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आप मिनिमम मार्क्स से भी पास कर चुके हैं तो आप वीडियो के लिए एलिजिबल है, वीडियो के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसकी एज लिमिट की बात कर ली जाए, क्वालिफिकेशन समझ गए कि आपके पास ग्रेजुएशन मस्ट है। यही एज लिमिट की बात कर ली जाए जनरल कास्ट के लिए, तो उनका 21 मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स होना चाहिए, यानी 21 टू 40 ईयर्स के बिटवीन में होना चाहिए, 21 से 40 के बीच में जो जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं और वो वीडियो के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो। और यही ओबीसी कास्ट की बात कर ली जाए एज लिमिट फॉर वीडियो के लिए, तो उनका मिनिमम एज होना चाहिए 21 टू 43 ईयर, यानी 21 से 43 साल का बीच में होना चाहिए ओबीसी कास्ट के लिए, यानी 3 साल की इसमें छूट दी जाती है ओबीसी कास्ट के लिए। और यही बात कर लिया एससी और एसटी कास्ट के लिए एज लिमिट वीडियो बनने के लिए, तो 21 टू 45 ईयर्स के बिटवीन में उनका एज होना चाहिए, 21 से 45 के बीच में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समझ गए और सभी जाति के लिए यहां पे एज लिमिट भी समझ गए। जब ये आप योग्य है, इसके लायक हैं, एज लिमिट में भी आप ठीक ठाक, यानी जो मैं आपको बताया इसके योग हैं, उसके बाद आपको सबसे पहले आपके स्टेट के हिसाब से ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना होता है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत वीडियो की रिक्वायरमेंट आती है, यानी कि आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको बीपीएससी के माध्यम से वीडियो के लिए आवेदन देना होता है, जिसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बोला जाता है। अगर आप झारखंड के लिए हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो वैसे ही आपको जेपीएससी के माध्यम से वीडियो के लिए आवेदन देना होगा, यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो कैंडिडेट झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनको वीडियो बनने के लिए जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके लॉगिन करना होगा। जरूरी नहीं है कि अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आप बिहार में आवेदन नहीं कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं और बीडीओ का जो वैकेंसी निकला हुआ है वो जेपीएससी यानी झारखंड में निकला हुआ है, तो आप इसके लिए योग है, ऐसे भी आप आवेदन दे सकते हैं। लेकिन मैं बीपीएससी और जेपीएससी मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि ये आपको समझ में आ जाए स्टेट पब्लिक सर्विस का मतलब हुआ।
जब किसी भी स्टेट से BDO के लिए वैकेंसी निकलती है तो उसके बाद सबसे पहले उसी स्टेट का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना होता है। यानी कि बिहार में अगर बिहार से अगर वैकेंसी निकलती है BDO के लिए तो BPSC के तहत पे ऑफिशियल वेबसाइट के जाके आपको लॉगिन करना होता है, आवेदन देना होता है। जब आप आवेदन करते हैं तो आपको मुख्यतः 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है BDO बनने के लिए। ये तीनों प्रोसेस बहुत ही कठिन होती है। जो आपका फर्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है प्रीलिम्स एग्जाम, जिसे प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं। उसके बाद आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। जब आप प्री में पास करते हैं यानी प्रारंभिक परीक्षा में पास कर जाते हैं तब आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। और सबसे लास्ट में आपको इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। यही आपको 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है BDO बनने के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस और इंटरव्यू। यही आपके 3 प्रोसेस होती है BDO में सिलेक्ट होने के लिए। जो प्रारंभिक परीक्षा का यहाँ पे एग्जाम पैटर्न शो किया जा रहा है, प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य 2 खंडों में परीक्षा ली जाती है, पेपर 1 और पेपर 2 में। जो पेपर 1 में जनरल स्टडी से सवाल पूछे जाते हैं, यानी आर्ट्स के जितने भी विषय होते हैं उससे सवाल पूछे जाते हैं। जनरल स्टडी कहने का मतलब ये हुआ। और इससे जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 सवाल पूछे जाते हैं जनरल स्टडी से। और ये इसी तरह मार्क्स जो होते हैं वो अंक होते हैं वो 200 मार्क्स के हो जाते हैं 150 क्वेश्चन का। और पेपर 2 में जो सवाल पूछा जाता है वो भी जनरल स्टडी से ही सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जनरल स्टडी कहने का मतलब है कि इसमें जो आपका सवाल पूछा जाता है वो हिंदी, रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश से सवाल पूछे जाते हैं। जनरल स्टडी ना लिखकर मैं यहां पे डायरेक्ट लिख दिया हुआ हिंदी, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। और ये जनरल स्टडी 2 यानी पेपर 2 से जो ये चारों सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं वो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें मार्क्स जो हो जाते हैं वो 200 मार्क्स के हो जाते हैं, यानी 100 सवाल पूछे जाते हैं पेपर 2 में और ये 200 अंक के हो जाते हैं। अब ये पेपर 1 और पेपर 2 को अलग अलग समय 2 घंटे का दिया जाता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो 1/3 इसमें नेगेटिव होती है, 1/3। और जब आप प्रारंभिक परीक्षा में पास करते हैं तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है। जो मेंस परीक्षा में आपको 8 पेपर से गुजरना पड़ता है, फर्स्ट में यहाँ पे शो किया जा रहा है जनरल हिंदी, सेकंड में ऐसे, थर्ड में जनरल स्टडी 1 और फोर्थ में जनरल स्टडी 2, फिफ्थ में जनरल स्टडी 3 और यही 6 में जनरल स्टडी 4। और इसी तरह देख पा रहे हैं 7 में ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, इसमें 7 में जो शो किया जा रहा ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये ऑप्शनल होते हैं। जो आगे चल के इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 में कौन कौन से आपके पेपर से वहाँ पे रहते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2 में भी कौन कौन से होते हैं। इसी तरह आप समझेंगे कि मेंस में जो सवाल पूछे जाते हैं ये 8 पेपर से, उसका डिटेल अभी आप देखें। जो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ मेंस में जनरल हिंदी से इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 सवाल पूछे जाते हैं। और ऐसे से इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो अलग अलग 3-3 टॉपिक होता है ऐसे से, जो आपको एक टॉपिक कम से कम 700 शब्द में लिखना आपको आवश्यक होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं जनरल स्टडी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 में इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं जनरल स्टडी से वो 200 अंक के होते हैं प्रत्येक में, यानी पेपर 1, पेपर 2 इसमें अलग अलग 200 अंक के होते हैं। और इसी तरह देख पा रहे हैं जनरल स्टडी पेपर 1, 2, 3 में, यानी पेपर 1, 2, 3 कहने का मतलब है कि इसमें जो सवाल आपका पूछा जाता है वो इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर और करंट अफेयर ETC से सवाल पूछे जाते हैं पेपर 1, 2, 3 से। और यही जनरल स्टडी पेपर 4 में एथिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। एथिक्स कहने का मतलब आपका आचार विचार से सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक आप समझे कि जनरल हिंदी से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जनरल स्टडी 1, 2, 3, 4 तक आप समझ गए। अब बात आती है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 और ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2 में कौन कौन से पेपर यानी कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। जो ऑप्शनल पेपर में 29 सब्जेक्ट होते हैं, ये 29 सब्जेक्ट में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करके इसमें आपको परीक्षा देना होता है। जो 29 सब्जेक्ट इस तरह से शो किया जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे शो किया जा रहा है एग्रीकल्चर, नेक्स्ट है बॉटनी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जूलॉजी, लॉ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इंग्लिश लिटरेचर, फिजिक्स और वेटनरी साइंस, उर्दू लिटरेचर, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी, मैनेजमेंट, संस्कृत लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स,
सोशोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, अकाउंटेंसी, फिलोसफी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मेडिकल साइंस, साइकोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब आप समझ गए, जब आप मेंस में भी पास करते हैं, मेंस परीक्षा में पास करने के बाद आपको सबसे लास्ट में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो इंटरव्यू में आपके 200 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें एग्जैक्ट नहीं बताया जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट से सवाल वहाँ पर पूछा जाएगा, वहाँ पर आपका मानसिकता, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन दिए उसके लायक है कि नहीं, उस टाइप के आपके सवाल पूछा जाता है। ये हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट वाइज से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, या आप जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके बारे में भी आपको वहां पे एक्सप्लेन करने का कुछ सवाल पूछा जा सकता है। वहां पे जन आशा दिलाना होता है कि आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन दिए हैं आप उसके लायक है भी कि नहीं, इस तरह के आपको वहां पे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब उसके बाद आप इंटरव्यू में पास करते हैं, तो इंटरव्यू में पास करने के बाद आपको मेरिट लिस्ट में नाम आता है, इस तरह से आप बीडीओ के पद हासिल कर सकते हैं। और इसकी सैलरी की बात कह ली जाए स्टार्टिंग पीरियड में तो 56,100 रुपये से लेकर इसकी लास्ट जो सैलरी जाती है वो 1,32,000 तक इसकी सैलरी जाती है, पे लेवल 10 के अनुसार। और भी इसके अलावा कई सारे अलाउंस दिए जाते हैं, भत्ते जो यहाँ पे है, गवर्नमेंट अकोमोडेशन, होम अपार्टमेंट यानी आपको रहने के लिए आपको दिया जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल भी दिया जाता है, मेडिकल एक्सपेंसेस भी दिया जाता है, फ्री फ़ोन कॉल दिया जाता है, ऑफिस व्हीकल्स भी दिया जाता है यानी आपको गाड़ी भी दी जाती है, स्टडी लीव भी दी जाती है, पढ़ने के लिए आपको छुट्टियां भी इसमें दी जाती है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दी जाती है, सिक्योरिटी गार्ड एंड हाउस होल्ड भी हेल्पर दी जाती है, सिक्योरिटी गार्ड भी आपको इसमें आपको दिया जाता है अलग से, डियर अलाउंस भी आपको दिया जाता है। इस तरह से आपको कई सारे अलाउंस दिए जाते हैं जब आप बीडीओ के पद हासिल करते हैं। तो आज इस वीडियो में सीखे कि बीडीओ ऑफिसर कैसे बनते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।